वीडियो में पाकिस्तानियों के लिए वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। अब आपको इमारात वापस आने के लिए ICA अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब आप इमारात किसी भी रियासत में ICA की अप्रूवल के बगैर आ सकते हैं। इसके लिए कुछ शरायत रखी गई है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तफसील आपको बताऊंगी इस वीडियो में। पाकिस्तानियों की बड़ी मुश्किल हल हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात की तमाम रियासतों ने एंट्री परमिट की शर्त खत्म कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात वापस जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि इमाराती रियासतों ने आज के रोज से तारकीन के लिए एंट्री परमिट की शर्त खत्म कर दी है। इमाराती मुमकलत में दाखिले के लिए कोई एंट्री परमिट नहीं दिखाना होगा। अलबत्ता परवाज से पहले कोरोना के PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने की पाबंदी बरकरार रहेगी। एंट्री परमिट की पाबंदी खत्म करने का ऐलान नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA और ICA की जानिब से चंद घंटे पहले किया गया है। ये मरहले रेजिडेंट रिटर्न प्रोग्राम के तहत इस मौका पर खत्म की गई है जब इमारात में तालीमी इदारों की गर्मियों की तातीलात खत्म होने के करीब हैं और तजारती समाजी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। आज के रोज से इमाराती एयरपोर्ट्स पर उतरने वाले मुसाफरों से कई एंट्री परमिट या इजाजत नामा वसूल नहीं किया जाएगा। ताहिम फेडरल अथॉरिटी फेयर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की जानिब से हदायत की गई है कि इमारात वापस आने के ख्वाहिशमंद अफराद अपना इमाराती ID नंबर, पासपोर्ट और नेशनलिटी और दीगर सफरी दस्तावेजात की वेबसाइट से तस्दीक करवा लें। मुसाफरों के लिए इमारात की परवाज में सवार होने से पहले मुस्तंद लेबोरेटरी से PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करनी होगी। तमाम एयरलाइंस को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुसाफरों को परवाज में सवार करते वक्त इसके पास मौजूद PCR टेस्ट रिपोर्ट 96 घंटों से ज्यादा पुरानी ना हो। इमारात पहुंचने के बाद मुसाफरों को दोबारा कोरोना टेस्ट लिया जाएगा और इन्हें अपनी रिहायश गाहों पर कुछ दिन कर्तीना में भी गुजारने होंगे। इसके अलावा अल होसन ऐप भी डाउनलोड करनी होगी जो इनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तैयार की गई है। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।